रुख करते हैं हम टीएस सुधीर जी का। नए सिरे से दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स को पढ़ा जा रहा है। वो जो पहला चुनाव लड़े थे 70 के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस के टिकट पर, विधायक बने, मंत्री बने और तब से लेके अब तक की कहानी, नए सिरे से उत्सुकताएं पैदा हो रही हैं। वो भाषण भी निकाले जा रहे हैं जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर गए, नरेंद्र मोदी से खफा रहे, सारी बयानबाजियाँ हुई। इस वक्त हैदराबाद का या भविष्य में अमरावती का तापमान कैसा रहने वाला है और किस तरह की अटकलें लग रही हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्या क्या शर्तें रखी जा रही हैं, क्या क्या पोर्टफोलियो मांगे जा रहे हैं टीडीपी की तरफ से एनडीए के लिए? चंद्रबाबू नायडू को हमने हमेशा एक आईटी नेता के रूप में देखा है, तो पिछले 5 साल में हमने देखा कि उनका जो चार्जर था वो बिल्कुल वहां से डिस्चार्ज हो गया था, दिल्ली से और अमरावती से भी। अभी उनको एक नया चार्जर मिला है, एक नया फोन मिला है, सो ही हैज लॉग्ड इन अगेन टू द न्यू दिल्ली पावर सर्किट। और ये खास तौर से आंध्र प्रदेश के तेलुगुस के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि उनको हमेशा लगता था हैदराबाद चला गया, पूरी जो इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर, BRS, KT रामाराव, ही हैड बिकम द डार्लिंग ऑफ द इंडस्ट्री, तो कोई भी आंध्र वालों को कोई पूछता नहीं है। अब आप देखेंगे कि अगले 5 साल में द रिटर्न ऑफ द आंध्र तेलुगु विल बी देयर इन दिल्ली विद द वेंजेंस। सो काफी एग्रेसिव तौर पर तेलुगु अब चाहेंगे कि वो राष्ट्रीय राजनीति में फिर से अपनी भूमिका निभाएं, और इसके एक तरह से प्रमुख चेहरे रहेंगे चंद्रबाबू नायडू। जैसा आपने कहा 1970 के दशक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से शुरुआत की, पहले वो और वाई एस राजशेखर रेड्डी काफी घनिष्ठ मित्र भी थे, उसके बाद उन्होंने एनटी रामाराव की बेटी से शादी की और फिर तेलुगु देशम में शामिल हो गए, वो सब कहानी सबको पता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो चंद्रबाबू नायडू 2024 में है वो काफी अलग है 90 के दशक के चंद्रबाबू नायडू से, या 2003-04 के चंद्रबाबू नायडू से, या 2018-19 के चंद्रबाबू नायडू से जब उन्होंने एनडीए से को टाटा बाय बाय बोला था। अभी मैं मानता हूं कि वो काफी मेच्योर हो गए हैं। ये चंद्रबाबू नायडू 4.0 है जहां तक आंध्र प्रदेश की राजनीति का सवाल है, क्योंकि ये चौथी बारी 12 तारीख को शपथ देंगे एज मुख्यमंत्री ऑफ आंध्र प्रदेश, हालांकि ये छोटा आंध्र प्रदेश रहेगा, द रेसिड्यूरी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये एक तरह से आखिरी इनिंग्स रहेगी एज मुख्यमंत्री फॉर नायडू, क्योंकि उनका जो सक्सेशन प्लान है एक तरह से पूरी तरह सॉर्टेड है। नारा लोकेश भी पहली बारी विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो वो अगले उनके उत्तराधिकारी रहेंगे तेलुगु देशम की राजनीति में एंड होपफुली आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी। तो एक तरह से सक्सेशन प्लान तो पूरी तरह सॉर्टेड है। तो चंद्रबाबू नायडू ये चाहेंगे कि उनकी जो लेगेसी है, बिकॉज नायडू को जैसे मैंने देखा है 1995 से वो अपनी लेगेसी को लेकर काफी एक तरह से फोकस रहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। इसीलिए जब भी अपने भाषण में वो हैदराबाद की बात करते हैं वो इसी नजरिए से बात करते हैं कि हैदराबाद में साइबराबाद जो पूरा आईटी का एरिया है उसकी नींव मैंने डाली थी जब मैं मुख्यमंत्री बना था 1995 में। वो चाहेंगे फिर से एक राजधानी को क्रिएट करें अमरावती के रूप में, जो कि एक तरह से पूरा ग्रीनफील्ड राजधानी रहेगी, लेकिन इसमें काफी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो कितनी पूंजी केंद्र सरकार देती है, कितनी पूंजी उनको स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज के रूप में मिलती है, ये उनके लिए एक मेजर फोकस रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो एक्सचेकर है वो ज्यादातर खाली है। पिछले 5 साल में काफी वेलफेयर प्रोग्राम्स रहे, डोल सेंट्रिक गवर्नेंस रहा, तो काफी खर्चा उसी में चला गया, तो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, और उसके लिए जितनी भी पूंजी की आवश्यकता होगी या तो वो मार्केट से उठाएंगे या केंद्र से, वे उम्मीद करेंगे कि वे उनको मदद करें। तो अगर कोई स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मिलता है नायडू को, क्योंकि अभी उनके 16 सांसद काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एनडीए और नरेंद्र मोदी की लॉन्जिविटी के लिए, तो उसके तहत वो चाहेंगे कि उनको काफी मदद मिले। जहां तक पोर्टफोलियोस का सवाल है, यहां पे भी दो नायडूस हमने देखे हैं। जब वाजपेयी के समय पर वे समर्थन कर रहे थे तब उन्होंने सिर्फ जीएमसी बालेगु के लिए सिर्फ एक स्पीकर की के पद की मांग की थी। उसका कारण यह था क्योंकि वो दशक बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद सिर्फ उस वो दशक था जब भाजपा को अभी भी एक एंटी मुस्लिम पार्टी के रूप में खास तौर से देखा जाता था। लेकिन 2014 में एक दशक बाद जब वे बीजेपी में शामिल हुए, इस बार उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होना पसंद किया। अशोक गजपति राजू यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, वाईएस चौधरी वहां पर एमओएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री बने। तो इस बारी भी वो
लोकसभा स्पीकर की के पद की मांग करेंगे। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि क्या भाजपा ये पद उनको देना चाहेगी या नहीं। दूसरी बात, वो केंद्र में मंत्री भी चाहेंगे और मंत्रिमंडल भी ऐसे जिसका कि सीधा सीधा कनेक्शन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ, ताकि वे उसका फायदा आंध्र प्रदेश के लिए उठा सके। शुक्रिया। एक यहाँ दिल्ली में चर्चा ये भी चल रही है कि यदि टीडीपी होम मिनिस्ट्री जैसा बड़ा पोर्टफोलियो मांगती है तो बीजेपी ने कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू खुद आकर संभालें ये पोर्टफोलियो, तो ज़रूर विचार किया जा सकता है क्योंकि बहुत सीनियर मिनिस्ट्री है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हों और चंद्रबाबू नायडू देश के नए होम मिनिस्टर? सी द वोट्स, जहां तक जब मैंने वहां पर आंध्र प्रदेश में यात्रा की थी कि हालांकि नारा लोकेश ने एक बड़ी यात्रा भी की, 226 दिन तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा वो चले फ्रॉम साउथ आंध्र प्रदेश कुप्पम टू विशाखापट्टनम इन नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, तो उससे उनकी छवि को काफी मजबूती मिली विद इन तेलुगु देशम, बिकॉज जब उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी तो विद इन तेलुगु देशम भी एक तरह से चर्चा थी कि क्या नारा लोकेश एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। पदयात्रा जो कि उसको युवगलम बुलाया जाता था, उससे उसको काफी मदद मिली कि उनका एक स्टेचर एस्टेब्लिश हो गया विद इन तेलुगु देशम विद इन द ऑपोजिशन स्ट्रक्चर। लेकिन जहां तक वोट्स का सवाल है, मुझे लगता है कि वोट्स ज्यादातर चंद्रबाबू नायडू और उनकी डेवलपमेंट की छवि को लेकर मिले हैं आंध्र प्रदेश में। यस, इसमें भूमिका रही है नारा लोकेश की और इससे ज्यादा भूमिका पवन कल्याण की भी रही है क्योंकि काफी सारे यूथ वोट इन दोनों के नाम पर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू तुरंत अभी आंध्र प्रदेश को छोड़कर जाएंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश को अभी रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है और इस समय पर एक एक्सपीरियंस्ड नेता की आवश्यकता है जो कि नायडू उस भूमिका को निभा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको केंद्र में शिफ्ट होने की अभी जल्दी होगी। हाँ, हो सकता है कि एक साल दो साल, बिकॉज आई एम वेरी सर्टन कि इस कार्यकाल में वे बेटन पास ऑन कर देंगे नारा लोकेश को। जी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि हमने 2012 में देखा था कि समाजवादी पार्टी को जनादेश मिला और मुलायम सिंह यादव को लगा कि यही सही समय है, एंड नाउ वी हैव सीन कि उस 5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के चलते अखिलेश यादव एक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश हो गए और अब तो वो जो आज भाजपा की निर्भरता बढ़ी है नीतीश कुमार पर, चिराग पासवान पर, एकनाथ शिंदे पर और चंद्रबाबू नायडू पर, उसकी वजह यही है कि यूपी में उनके जगरनॉट को अखिलेश यादव ने रोक दिया। तो इसलिए हमें लगा कि वैसी कोई प्रत्याशा आंध्र प्रदेश में भी हो सकती है क्या? The only difference is I can understand the comparisons. दोनों ही साइकिल वाली पार्टियां हैं, लेकिन I can understand the only difference is because आंध्र प्रदेश जिस तरह से हालात से गुजरा है, जब से बाइफर्केशन हुआ 10 साल पहले, पिछले 10 साल में आंध्र प्रदेश में कुछ खास नहीं हुआ। पहले 5 साल लग गए अमरावती को कंस्ट्रक्ट होने में। जब जगनमोहन रेड्डी आए, उन्होंने अमरावती को एक तरह से गोस्ट टाउन बना दिया। वहां पर कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हुई। मैं 3 कैप राजधानियां बनाऊंगा करते करते 5 साल लग गए, वहां पर भी कुछ गतिविधियां नहीं हुई। तो एक तरह से आंध्र प्रदेश को अभी डेवलपमेंट की जरूरत है और मुझे लगता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बोलते हैं कि मैं गृह मंत्री बनने के लिए चला जाता हूं, टाटा बाय बाय, अभी लोकेश संभालेगा, आई डोंट थिंक इट विल बी टेकन काइंडली इन आंध्र प्रदेश। सो अभी शुरुआत के लिए चंद्रबाबू नायडू बने रहेंगे और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टेन्योर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस द बेटन विल बी पास्ड, मुझे ये लगता है। थैंक यू सो मच टी एस सुधीर जी।